नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन पर एसडीओपी कुक्षी के मार्गदर्शन में भूतिया गैंग का कुख्यात फरार बदमाश, विभिन्न थानों पर अपराध दर्ज, 50,000 का इनामी बदमाश गनिया उर्फ गणू भील को पकड़ने में पुलिस को मिली है सफलता। आपको बता दें कि थाना कुक्षी व थाना टांडा की पुलिस टीम के द्वारा पिपरानी में दबिश देकर 50,000 के इनामी बदमाश गणू को एक देसी 12 बोर का कट्टा एवं 2 राउंड एवं 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको यह भी बता दें कि उक्त आरोपी के द्वारा टांडा थाना प्रभारी विजय वास्केल को एक बंदूक व देसी कट्टों से जान से मारने की नियत से फायर किए गए थे, जिसमें विजय वास्केल को गोली छूती हुई निकल गई थी। आरोपी गनिया पर विभिन्न थानों पर अलग अलग धाराओं में अपराध भी पंजीबद्ध है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। ये टांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 12 तारीख को ये पिपरानी फाटा के 5 लोगों को जामना भूतिया के बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। और जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने इनका पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस पर फायर किया, जिसमें एक गोली थाना प्रभारी टांडा विजय वास्केल को भी लग के छूते हुए निकली थी। तो इसमें 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, अपहरण का भी किया गया था, 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और उसमें एक आरोपी जो गनू गनिया भील है, जिसकी उम्र 24 साल है, इसको पुलिस ने बड़ी मेहनत से गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ 8 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और अपहरण के अपराध हैं, जो कि उसी गैंग में शामिल था। इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें 50,000 रुपये का इनाम था, 30,000 का इनाम पूर्व से घोषित था और 20,000 का इनाम अभी इसमें जो अपराध घटित हुआ था उसमें घोषित किया गया था। इसी आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, अभी और भी अपराधी? हाँ, इसमें और भी आरोपी हैं जो वांटेड हैं और जो अभी फरार चल रहे हैं, जिसकी हम लोग सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। वो भी निश्चित रूप से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। और इस इनामी बदमाश की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कुक्षी हमारे TI साहब गहलोत साहब और थाना प्रभारी टांडा विजय वास्केल साहब और इनकी टीम ने विशेष योगदान दिया। इसमें अपहरण की धारा है और 307 का जो पुलिस पर फायर किया है वो भी इसमें 2 अपराध पंजीबद्ध है।